77 73 ये देखिए ये कोड डाला और ये। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों कैसे हैं आप, नए ब्लॉग में खुश आमदीद। तो आज हम आपको दो पॉइंट दिखाएंगे इस ब्लॉग में, कोरियर सर्विस और रेस्टोरेंट। कोरियर सर्विस से हमने दो चीज़ें मंगवाई हैं, इस्त्री और इंडक्शन हमने, जिसको इलेक्ट्रिक चूल्हा भी कहते हैं, ठीक है, बिजली वाला चूल्हा वो मंगवाया, क्योंकि जो चाइनीज़ है ना वो बहुत तो नहीं कह सकते, बहरहाल वो अपने कंट्री में सही हैं, हम अपने कंट्री में सही हैं। इसमें ये है कि वो हलाल हराम मिक्स किया हुआ है, तो इसलिए हम अपना बनाते हैं और अपना खाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कि हम किस तरह खाना बनाते हैं, खासकर आतिफ और मैं। ये हमारा एक रूम दिया हुआ है, हम लोगों ने एक अपार्टमेंट दिया हुआ है, तो हम दो लोग रहते हैं एक रूम एक अपार्टमेंट में। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं, तो फिर आपको पहला दिखाता हूँ कोरियर सर्विस और फिर नेक्स्ट रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स पे हमने जाके कार्ड अप्लाई करना है, जो जिस जो कि हमें मिला है 8 युआन्स का, तो वो फिर देखते हैं हमें 8 युआन में क्या मिलता है। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं कोरियर सर्विस, ठीक है। तो यहाँ हमने ऑर्डर किए थे दो चीज़ें, एक तो हमने इंडक्शन और दूसरा इस्त्री। इंडक्शन मतलब बिजली वाला चूल्हा, ठीक है, वो ऑर्डर किया हुआ था, और दूसरा था इस्त्री, हमने मंगवाई हुई थी। 30 युआन की इस्त्री आई थी और 73 युआन का था इंडक्शन, तो वो हमने मंगवाया। अब तक तो हमने 7 वाले रूम से लिया, वो उसमें भी दो लोग हमारे लिया के रह रहे थे, उससे हमने लिया था। तो अभी कोरियर आया, तो आपको दिखाते भी हमने कोरियर कैसे रिसीव करना है। ये देखिए ये कोड आया हुआ था 077 कोड डाल रहा है 77 73 ये देखिए ये कोड डाला है और ये वाला बॉक्स ओपन हुआ। इस बॉक्स में हमारा क्या चीज़ आई है सर जी? ये इंडक्शन है, ये इंडक्शन आया है जी, ये इसको चूल्हा कहते हैं। कौन से वाला है? इलेक्ट्रिक चूल्हा। और अभी उसका इस्त्री का वो नहीं आया कोड, तो वो फिर हो सकता है कल आए या परसों आए, तो जैसे वो आएगा इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कोड आता है और किस तरह हमने ऑर्डर किया है। और कोड ओपन करके हमने बॉक्स ओपन करवाया, कोड एंटर करके बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें से ही हमारा पार्सल आया। अच्छा, तो अभी हम आए हुए हैं इनके रेस्टोरेंट, जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि ये इनका रेस्टोरेंट है, ना कि कैंटीन है। हमारे पाकिस्तान में तो कैंटीन होती है, तो इनका रेस्टोरेंट मैं आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ। और बे इंतहा स्मेल होती है इनके खाने से, तो मास्क लगा के जाना पड़ता है, ठीक है, ख़ासकर हमें पाकिस्तानियों को। तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अभी हमारे पास एक पास है, उस पास पे हम ये खाना खाएंगे, मतलब खाना तो ले लेंगे। हमारे पास ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये 8 युआन हमारे उन्होंने दिए हैं कि 8 युआन तक आप ये चीज़ ले सकते हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह इनको हैंडल करना है। एक तो इनको इंग्लिश नहीं आती और ना ही उर्दू आती है, और ना हमें आती है चाइनीज़, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इनके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम रेस्टोरेंट पहुंच चुके हैं। ये सेकंड फ्लोर था और पहले वाला ग्राउंड फ्लोर था, उससे आपकी मैंने दिखाई है। तो हमारा कार्ड इस रेस्टोरेंट में चलेगा, ये देखें सारे लोग खा रहे हैं। तो ये देखें जी, ये इनका रेस्टोरेंट है। अभी ये देखें, ये इनका जी, अभी जी आतिफ और साथ में अदनान भाई हैं, ये चलाएंगे जी कार्ड इधर, जो कि 8 युआन तक हम इनसे ले सकते हैं, ठीक है। ये देखें जी कार्ड हमने दे दिया, ठीक है, ये आतिफ भाई ने कार्ड दिया, तो कन्वर्सेट कर रहे हैं, लेकिन ये इशू ये है कि इनको ना उर्दू आती है ना इंग्लिश आती है। तो ये देखें, ये जस्ट ट्रांसलेट करेंगे गूगल से। इनको ट्रांसलेट करके बताओ ना यार गूगल से।
ये देखिए बड़ा मसला बन रहा है, इनको इंग्लिश उर्दू नहीं आती, हमें चाइनीज़ नहीं आती, तो ये व्लॉग के बगैर कन्वर्सेशन के हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो हमें भी चाइनीज़ आती होगी, तो इंशाल्लाह फिर हम कन्वर्सेशन के साथ ये व्लॉग आपको दिखाएँगे। तो ये जी रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये देखें ये सारे चाइनीज़ लगे हुए हैं, कुछ कोई नूडल खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है, तो हम तो अपना बनाते हैं और खाते हैं, इसलिए हमने इंडक्शन लिया है आज मंगवाया। पहले तो हम अदनान भाई के रूम से ले आते थे, और हमारे पास 8 जवान का था कार, तो हमने ये छली लेने की कोशिश की है, ये देखें ये छली लेने की कोशिश की है, तो अभी ये ट्रांसलेट कर रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह हमें ये छली मिल जाएगी। ये देखें जी हमें 2 छलियाँ मिली हैं, ये मिली हैं 10 युआन में, तो हमने 8 कार्ड से कटवाए हैं और 2 पे किए हैं अली पे से। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल पहुंच के आपको इंडक्शन भी दिखाते हैं, और हॉस्टल मतलब रूम में पहुँच के इंडक्शन ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये इस्त्री तो पहले दोस्त के रूम में आई पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर की थी अपने उससे ताओ पाओ से, क्योंकि उनका एड्रेस दिया हुआ था, हमारा एड्रेस नहीं दिया हुआ था। तो ये जी इस्त्री ओपन हो रही है, दिखाते हैं आपको जी, नीचे रखें दोस्त। अच्छा ये जी इस्त्री, ये आई है 30 युआन की ना, अच्छा नेक्स्ट जी ये ओपन हो रहा है जी इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन जी आपको दिखाते हैं जो हमने ऑर्डर करवाया, ये आया जी 73 युआन का, ठीक है, ये जी इंडक्शन है, ठीक है, ये देखें। अच्छा और दूसरा ये क्या चेक करें व्यू, ठीक है, ये हमारा व्यू है जी अपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी का व्यू, ठीक है, यूनिवर्सिटी का जी ये व्यू चेक करें, ये 3rd फ्लोर पे मौजूद है ये, ठीक है, ये देखें ये बिल्कुल पहाड़ है पीछे सारे, और ये भी अपार्टमेंट्स हैं, ये हैं जी हॉस्टल, और ये सामने मेन बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और इधर ट्रेन भी खड़ी है जिस तरह मैंने पहले आपको पिछले व्लॉग में भी विज़िट करवाई है, ठीक है, ये देखें ये सारा यूनिवर्सिटीज़ का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।